हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपको पता है कि आप 11th में चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ चुके हो और हमने इसका 12th में भी बहुत सारी जगह पे यूज किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3 जो है वो यही टॉपिक पे बेस्ड है। बट इसके लिए आपको कंपल्सरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो ये कब यूज करेंगे, क्योंकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको ये मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कुछ बेनिफिट ना हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे हो तो हम क्या करेंगे, ट्राई पहले करेंगे कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो पहला ट्राई हमारा वो ही होगा। बट अगर वो भी मेथड फेल हो जाता है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैंने ना तो साइन स्क्वायर के लिए मेरे पास डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की, ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कुछ होना चाहिए, तो ही हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, साइन स्क्वायर की कोई ऐसी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी कि जिससे हमारा ये जो क्वेश्चन है प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो आपके माइंड में वो आइडेंटिटी आती है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट ये आइडेंटिटी लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगेन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हमने 11th में पढ़ी थी आइडेंटिटी कि क्या था, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। और अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करें तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे वो ही करेंगे, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो ताकि आपको पता चले कि आइडेंटिटी यहाँ पे कैसे अप्लाई करनी है। तो साइन स्क्वायर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे जो है वो 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू डीएक्स। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी अप्लाई की। ठीक है, नाउ यू नो दैट कि 1 बाई 2, ये 2 हम दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, तो 1 बाई 2 डीएक्स माइनस कॉस 2 टू जा 4x प्लस 2 5 जा 10 डिवाइड बाई 2 इंटू डीएक्स। नाउ 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेंगे हम, तो 1 बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू डीएक्स माइनस यहाँ पे भी 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, कॉस 4x प्लस 10 इंटू डीएक्स। नाउ आपको पता है कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में आपने पढ़ लिया है कि 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t करके हम सॉल्व करेंगे। बट जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री वाले इक्वेशन से ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन जो आता है वो हम डिवीजन में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे वो ही करेंगे कि 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, x माइनस 1 बाई 2 एज इट इज, कॉस 4x प्लस 10 का क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन 4x प्लस 10 अपॉन, यहाँ पे जो 4x का आपको पता है ये एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x का होता है 4 एंड कांस्टेंट टर्म का 0, तो वो हमने डिवीजन में लिख लिया प्लस c। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो इट बिकम x बाई 2 माइनस 1 इंटू साइन 4x प्लस 10, सो इट बिकम साइन 4x प्लस 10, नीचे 2 4 जा 8 प्लस c, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2।
साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो पहला ट्राई हमारा क्या होगा कि अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाने से कोई बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों के एंगल्स अलग अलग है। अगर ये एंगल सेम होते तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते, बट अगर मैं यहाँ पे साइन 3x के लिए t सपोज करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस 3x इंटू 3, बट मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉस 4x। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में दोनों के एंगल अलग अलग हो, दोनों फंक्शन के एंगल अलग अलग हो, तो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। बट हमें पता है कि साइन 3x इंटू कॉस 4x की कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि 2 से मैं डिवाइड करूँ एंड 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे क्वेश्चंस आप 11th में कर चुके हो, तो आपको पता है कि 2sc ये तो हमारी आइडेंटिटी है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, या तो साइन x इंटू यहाँ पे कॉस y लिख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग होते हैं। तो देखो 2 साइन x इंटू कॉस y की आइडेंटिटी क्या थी, कॉस वाई। तो 2sc के लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी थी। तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे कि 1/2 एज इट इज। 2sc को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 3x प्लस 4x प्लस ये है x ये है y, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड मत कर देना, प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन 3x माइनस 4x इंटू dx, सो इट बिकम 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स इंटू dx, एंड वी नो दैट साइन 7x साइन माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ दोनों को अलग अलग दे सकते हैं हम, इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए क्या होगा, 1/2 साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। नाउ 1/2 हमें पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह पे है 7x, और 7x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 7, तो 7 आ जाएगा डिवीजन में, माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे तो डायरेक्टली साइन एक्स ही है तो फिर करने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, सो माइनस 12 आ जाएगा, तो माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी व्हाट वी हैव गिवन, इंटीग्रेशन में कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस सी एक्स डी एक्स। अगेन देखिए यहाँ पे एंगल अलग अलग है सबके, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो अगेन कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, तो यहाँ पे सेम अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस सी एक्स 6x डी एक्स, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। और आपको पता है 2cc, 2cc तो इसकी आइडेंटिटी थी c प्लस सी, दैट मीन्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, तो 1/2 नाउ 2cc की जगह पे कॉस एक्स प्लस वाई 2x प्लस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 4x इंटू कॉस 6x एज इट इज डी एक्स।
वन बाई टू। यहाँ पे देखिए कॉस 2x+4x क्या होगा, कॉस 6x+cos-2x इंटू कॉस 6x(dx)। तो देखिए क्या होगा, 1/2 कॉस 6x। आपको पता है कि कॉस ये जो नेगेटिव एंगल होता है उसे क्या कर लेता है, पॉजिटिव बना देता है। तो कॉस 6x+cos2x(cos6x)dx। ठीक है ना, आपको पता है ये कॉस 6x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो दोनों को अलग अलग दे देते हैं। सो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर कॉस 6x(cos6x)dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर कॉस 6x(cos2x)dx। नाउ 1/2 कॉस 6x(cos6x), इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 6x(dx) प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए अगेन क्या आया, सी इंटू सी, तो सेम मेथड फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2cos6x(cos2x)dx। नाउ 1/2 आपको पता है कि cos स्क्वायर 6x, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर x की, क्या है, 1+cos2x/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है उसका ये एंगल क्या हो जाता है, डबल। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 6x है, तो cos स्क्वायर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 1+, ये यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, cos 6 2 12x/2। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 1+cos 12x/2(dx) प्लस 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2cc, तो c प्लस c, तो cos 6x+2x+cos 6x-2x(dx). सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने आगे किया था वही। नाउ 1/, ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर 1(dx) प्लस 1/4 cos 12x(dx) प्लस 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 6+2 8x+6-2 cos 4x(dx). एडिशन है तो अगेन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4, 1 का होता है x, तो x/4 प्लस cos 12x का होगा sin 12x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x, एंड 12x का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है, 12, तो नीचे आएगा 12 × 4, तो 4 12 48 प्लस, अगेन यहाँ पे अगर दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करें तो cos 8x का होगा sin 8x, sin 8x, और ये 4 मल्टीप्लीकेशन में, तो sin 8x 4 8 32 प्लस, अगेन यहाँ पे क्या होगा, cos 4x का होगा sin 4x, एंड ये डिवीजन वाला 4, तो 4 × 4, 4 4 16 प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये सिंपल तभी होगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पता होगी। ठीक है, नाउ सी sin³ 2x+1(dx). तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, साइन क्यूब की, तो डायरेक्टली साइन क्यूब के लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, बट एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, दैट इज ऑफ sin³θ। sin³θ को हम क्या लिखते थे, 3 sin θ - 4 sin³θ। तो इस पे से अगर मुझे ये आइडेंटिटी बनानी हो साइन क्यूब की, तो मैं इजीली बना सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले ये 4 sin³θ को इस साइड ले लो, ये sin³θ को इस साइड ले लो, सो इट बिकम 4 sin³θ
इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। एंड सी स्टूडेंट, sin 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम चीज कर सकता हूँ, यहाँ पे बस थीटा की जगह पे क्या है मेरे पास 2x+1, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, sin 3 थीटा की जगह पे 3 sin थीटा, थीटा की जगह पे 2x+1 माइनस sin 3 थीटा, थीटा की जगह पे अगेन 2x+1 डिवाइड बाय 4 into dx, ये चीज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ दोनों को अलग अलग दे दो, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, 3/4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो इट बिकम sin 2x+1 माइनस 2x+1 into dx माइनस अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1/4 sin 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ होगा, तो sin 3 2 6 6x+3 into dx। नाउ तो इजीली हम कर सकते हैं कि 3/4 एज इट इज, साइन का होगा माइनस कॉस, थीटा की जगह पे 2x+1 एंड 2x+1 का डिफरेंशिएशन होगा 2, माइनस 1/4 sin 6x+3 का होगा माइनस कॉस 6x+3 एंड 6x+3 का डिफरेंशिएशन होता है 6, तो 6 आ जाएगा डिवीजन में प्लस सी। ठीक है, नाउ थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 2 8 इंटू कॉस 2x+1 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x+3, 6 4 24 प्लस सी। नाउ इट बिकम कॉस 6x+3/24 माइनस 3 cos 2x+1 बाई 8 प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, sin 3 थीटा के इक्वेशन पे से sin 3 थीटा की आइडेंटिटी बनाई। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, या फिर हमें यहाँ पे दिया था sin²θ, तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, 1 - cos 2θ/2, आप ये आइडेंटिटी का यूज करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो खुद से भी ये आइडेंटिटी बना के ये क्वेश्चन को ये मेथड से भी सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है खुद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या दिया हुआ है, sin³x into cos³x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि sin³x into cos³x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि sin³x को मैं लिखू sin x into sin²x into cos³x into dx। यहाँ पे मैंने sin³θ की आइडेंटिटी क्यों अप्लाई नहीं की, क्योंकि यहाँ पे sin³θ भी है और यहाँ पे cos³θ भी है, अगर यहाँ पे अप्लाई की यहाँ पे भी करनी पड़ेगी और वो क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। ठीक है, तो हमें अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज यूज करनी है, बाकी सब में अगर आपने ऐसा रट्टा मार के चला कि sin³θ दिखे तो मैं वो ही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग से थोड़ा काम लेना है, तो यहाँ पे देखिए sin x as it is, अभी आपको पता है कि sin²x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²x into cos³x dx। ठीक है, नाउ sin x as it is, अभी देखिए ये cos³x का इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन, तो 1 into cos³x क्या हो जाएगा, cos³x माइनस cos²x into cos³x, तो ये क्या हो जाएगा, cos⁵x into dx। और अभी देखो यहाँ पे मैं cos x के लिए t सपोज करूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई करूँ, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन सक्सेस जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया, सपोज cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x into dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x into dx इज इक्वल टू -dt। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी कॉस क्यूब एक्स की जगह पे टी का क्यूब माइनस टी रेस टू 5 इंटू डी टी। नाउ माइनस है तो दोनों को अलग अलग दे दो इंटीग्रेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू डी टी माइनस टी रेस टू 5 इंटू डी टी। नाउ आपको पता है टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस डी टी था, ठीक है, ये था माइनस, माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस टी क्यूब इंटू डी टी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमें माइनस अप्लाई कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी क्यूब प्लस इंटीग्रेशन में टी रेस टू 5 इंटू डी टी। नाउ आपको पता है टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस एज इट इज प्लस टी रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस सी। नाउ टी की जगह पे कॉस अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस कॉस रेस टू 6x अपॉन 6 प्लस सी। नाउ फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, कॉस रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बाय प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस की आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो देखिए जब भी एंगल्स अलग अलग हो एंड मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको पता है कि हमारी आइडेंटिटी कैसे हम लगाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 3x dx। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या थी, 2 - 2SS, दैट मीन्स -2 sin x + y/2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, इसके लिए थी, ठीक है। यहाँ पे तो हम वही आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, -2SS इज इक्वल टू सी माइनस सी कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। बट अगर मैम ये माइनस को इस साइड अप्लाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2SS इज इक्वल टू, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। क्या करूंगा मैं, ये माइनस को मैं इस साइड अप्लाई कर दूँ या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी, 2SS इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो सेम आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर 2SS के लिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई, ये है एक्स ये है वाई, तो इट बिकम 2x - x माइनस कॉस 2x + x, ब्रैकेट कर दो, इंटू साइन 3x dx, ठीक है। नाउ देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर कॉस 2x - x एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx, दोनों को अलग अलग दे देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर साइन 3x इंटू कॉस एक्स dx माइनस 1/2, ये 1/2 भी दोनों को मिलेगा, साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। नाउ सी अगेन यहाँ पे s इंटू सी, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ
एन टू से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स ये बना टू एस सी, और आपको पता है कि टू एस सी किसकी आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो देखिए 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, साइन देखिए क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, तो टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर आपको पता हो तो ये तो किसकी आइडेंटिटी है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ साइन टू एक्स, तो आपको पता है साइन टू एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/4, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है, थ्री एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इट बिकम 1/4, ये क्या हो जाएगा, साइन फोर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/4 साइन टू एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन सिक्स एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अगर इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है कि 1/4 साइन फोर एक्स का होगा माइनस कॉस फोर एक्स, एंड फोर एक्स का 4 प्लस 1/4 एज इट इज, साइन टू एक्स का होगा माइनस कॉस टू एक्स, नीचे आएगा 2 माइनस अगेन 1/4 साइन सिक्स एक्स का होगा माइनस कॉस सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस फोर एक्स, फोर फोर सा 16, प्लस माइनस माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस कॉस सिक्स एक्स अपॉन 24 प्लस सी। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सिक्स एक्स अपॉन 24 माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन 16 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 8 प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के अंदर साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे भी सेम है, दोनों के एंगल अलग अलग हो और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू साइन एट एक्स इंटू साइन फोर एक्स, और बड़े वाले एंगल को आगे रख दो ताकि प्लस माइनस का आपको प्रॉब्लम ना आए, और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में हम ये चीज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टू साइन एट एक्स इंटू साइन फोर एक्स इंटू डी एक्स, तो टू एस एस अगेन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आई, टू एस एस, तो आपको पता है क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, तो 1/2 इट बिकम कॉस क्या हो जाएगा, एट एक्स माइनस फोर एक्स माइनस कॉस एट एक्स प्लस फोर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो 1/2 कॉस एट एक्स माइनस फोर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस फोर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1/2 कॉस एट एक्स प्लस फोर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 12x इंटू डी एक्स। नाउ दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। नाउ वी नो दैट कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और फोर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 4, दैट इज इन डिनोमिनेटर -1/2। यहाँ पे भी क्या होगा, कॉस 12x का साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन फोर एक्स, टू फोर जा 8 माइनस साइन 12x अपॉन 12, टू जा
24 प्लस 3 एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको तो पता ही है इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये आइडेंटिटी इसका हम 11th में और 12th में भी बहुत यूज कर चुके हैं। एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ 2 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ वी नो दैट कि हमारे पास 10 स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.2 में कर चुके हैं कि 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ। आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 10 स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इट बिकम sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि हमारे पास sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एंड दैट इज 10x/2। तो यहाँ पे लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अभी हमें पता है कि sec स्क्वायर का होता है 10x/2 एंड x/2 का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो वो हो जाएगा x प्लस c, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में, सो 2 10 x/2 माइनस x प्लस c एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है हमारे पास, cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है। हमें पता है कि 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास आइडेंटिटी, 2 cos² x/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस cos x की जगह पे तो मैं क्या लिख लूंगा, 2 cos² x/2। तो मैं cos x की जगह पे ये लिख सकता हूँ कि cos x इज इक्वल टू 2 cos² x/2 माइनस 1, ये 1 को मैं इस साइड लेके जाऊँ तो ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वही चीज करूंगा, 2 cos² x/2 माइनस 1। नाउ आपको पता है कि अगर मैं ये डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दूँ तो ये तो कट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मैं वही चीज करूंगा, 2 cos² x/2 अपॉन 2 cos² x/2 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 cos² x/2 इंटू डी एक्स। देखो इससे मेरे दो बेनिफिट हुए कि यहाँ पे तो ये पूरा कट हो जाएगा, सो इट बिकम 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ एंड 1 अपॉन cos² x/2 इट बिकम sec² x/2, और sec² x/2 की तो हमारे पास आइडेंटिटी है ही, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 1 इंटू डी एक्स। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/2 एज इट इज, sec² x/2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, 10x/2 एंड आपको पता है कि x/2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 प्लस सी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में जाएगा तो x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 10x/2 प्लस सी, 2 2 कैंसिल आउट, सो x माइनस 10x/2 प्लस सी एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बट मैंने आपको अगेन एंड अगेन बोला हुआ है कि इसके लिए आपको कंपलसरी क्या आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं, अदरवाइज आप फर्स्ट स्टेप से ही रुक जाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं स्टूडेंट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक
थैंक यू स्टूडेंट्स।